हर खित्ते, हर मुल्क और हर सकाफत में ईद के रंग मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन बच्चों की खुशी और रंग ढंग देखने के लायक होते हैं। ईद को भरपूर तरीके से मनाने के लिए बच्चों की क्या तैयारियां हैं, जानते हैं कराची से आयशा आफरीन की इस रिपोर्ट में। वालिदैन का हाथ थामे ये बच्चे चमकती दमकती दुकानों पर अपनी मन पसंद चीजों की तलाश में सरगर्दा हैं। ईद की तैयारियों में मगन इन बच्चों ने बड़ों को भी पीछे छोड़ दिया। नित नई चीजों की खरीदारी करते इन बच्चों का कहना है कि वो ईद पर नए नए कपड़े पहनकर खूब मौज मस्तियाँ करेंगे। ईद मनाएंगे मजे से, कहीं अगर सी में जाना हो गया, अभी तो छुट्टियाँ हो गई हैं। हमने भी लिए शर्ट और ग्लासेस। दादी के घर जाएंगे, नानी के घर जाएंगे। मैंने चश्मा लिया है और शर्ट लिए। वालिदैन की खुशी भी अपने बच्चों की खुशियों से जुड़ी है। इनका पूरा रमजान बच्चों के कपड़ों, जूतों, घड़ियों, चश्मों और दीगर चीजों की खरीदारी में गुजर जाता है। बच्चों की यही है बस, जैसे मेरी बेबी है, इसको क्या कहते हैं, वॉच चाहिए, क्लच चाहिए, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग हो चुकी है। इसकी लेनी है फ्रॉक्स वगैरह, लेनी है शूज, देखने के लिए आया है इसका। बच्चे बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं ईद की शॉपिंग के लिए और बहुत जिद कर रहे हैं, उनको इसलिए लेकर आए हैं और शॉपिंग करवा रहे हैं। बच्चियों को ज्वेलरी और चप्पलों का शौक होता है, वो तो लाजमी दिलानी पड़ती है ईद पर। ईद नाम है खुशियों का और खुशी के इस त्यौहार में छोटे बड़े सब ही मोहब्बतें और खुशियां बांटते हैं, जबकि बच्चों के खिलखिलाते चेहरों पर ये खुशी भरपूर आया होती दिखाई देती है। रंग बिरंगे खूबसूरत कपड़े, पर्स, जूते और ईद पर मिलने वाली ईदी की खुशी बच्चों को ईद से पहले ही पुरजोश कर देती है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और नाज़रीन अब जानेंगे मौसम की सूरत हाल।